मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीबीए एंड बीकॉम सेकंड ईयर, बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम सेकंड ईयर। टैक्सेशन पार्ट फर्स्ट। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक सैलरी एंड नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कंप्यूट बेसिक सैलरी ओके विथ न्यूमेरिकल। अ क्वेश्चन इज गिवन, श्री प्रमोद He is a government employee to appoint 1st July 2015। यानी कि प्रमोद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसको अपॉइंट हुआ है, वो जॉब ज्वाइन की उसने किस कब तारीख को, 1st जुलाई 2015 को उसने ज्वाइनिंग की है न्यू ओके। उसका पे स्केल जो है वो है 15,600 से लेकर के 37,000 तक का उसका क्या है पे स्केल है ओके। और इनिशियली पेमेंट यानी कि अभी उसे एट प्रेजेंट पेमेंट हो रहा है 16,070 रुपए और ग्रेड पे 8,000 रुपए। यानी कि उसे क्या मिल रहा है, एक तो तुम्हारे को पे स्केल उसका कितना है 15,600 से लेकर के 37,000 उसका पे स्केल है और इनिशियली उसे पेमेंट हो रहा है 16,070 रुपए से और साथ में ग्रेड पे मिल रहा है उसे 8,000 रुपए का। कहा गया है 3% ऑफ सैलरी एंड ग्रेड पे इज गिवन एज एनुअल इंक्रीमेंट। यानी कि उससे हर साल उसकी सैलरी में जो वृद्धि होगी वो कितना परसेंट होगी, 3%। किस किस का, एक तो जो सैलरी मिल रही है वो और उसको जो ग्रेड पे मिल रही है, उन दोनों का कितना परसेंट उसे इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल, 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल, विच इज राउंडेड ऑफ टू मल्टीप्लाई ऑफ ₹10। यानी कि उन्हें जो जितना भी उसे ग्रेड इंक्रीमेंट मिलेगा उसे 10 के मल्टीप्लाई में राउंड अप करना है, राउंडेड करना है ओके। कैलकुलेट द बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर फ्रॉम 17-18। यानी कि तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें 17-18 के लिए उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है ओके। फर्स्ट अपन को क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, कंप्यूटेशंस ऑफ बेसिक सैलरी, एक तरफ लिखना है पर्टिकुलर और एक तरफ आएगा तुम्हारा अमाउंट का कॉलम ओके। फर्स्ट ये अपॉइंट कब हुआ था, 1st जुलाई 2015। यानी कि 1 जुलाई 2015 से उसका ईयर कब खत्म हुआ, यानी कि इसके लिए एक साल का खत्म होगा 30 जून 2016। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो श्री प्रमोद है उसको अपन ने 1 जुलाई 2015 को ज्वाइनिंग दी है तो उसके लिए ईयर कब खत्म हो जाएगा, 30 जून 2016 को उसका एक साल कंप्लीट हो जाएगा सर्विस का ओके। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में 1st जुलाई 2015 से लेकर के 30 जून 2016 तक की उसकी सैलरी कितनी रहेगी, तो देखो जब उसने ज्वाइन की तब उसे कितनी मिल रही है 16,070 प्लस 8,000 रुपए, ये दोनों से क्या मिल रही है अभी इनिशियली पेमेंट हो रही है, तो यानी टोटल उसे कितना मिल रहा है अभी 24,070 रुपए पेमेंट हो रहा है पर मंथ का, कितना 24,070 रुपए। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करना है, किस ईयर के लिए इंक्रीमेंट लगेगा तुम्हारा, 2001 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक के लिए कितना इंक्रीमेंट लगेगा वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन भी ओके। तो इसमें क्या था कि दोनों को मिलाकर के यानी बेसिक सैलरी और जो तुम्हारा ग्रेड पे, इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट इंक्रीमेंट मिलेगा उसे, 3% पर एनम इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी कि 24,070 रुपए जो तुम्हें 1st जुलाई 2015 से लेकर के 30 जून 2016 तक की जो सैलरी मिल रही है अब उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 24,070 का अगर आप 3% निकालते हैं तो वो होता है 722.1 रुपए, कितना 722.1। यानी कि इसको राउंड अप करना है 10 के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 730 रुपए। यानी कि तुम्हें इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, 730 रुपए पर मंथ की सैलरी में बढ़कर रिसीव करोगे। तो यानी कि मिलेगा के लिए इंक्रीमेंट 24,070 प्लस 730 रुपए जोड़ दिए, टोटल अब कितना मिलता है उसे 24,800 रुपए। वो किस ईयर में मिलेंगे उसे, 1 जुलाई 2016 से लेकर के 30 जून 2017 तक उसको पर मंथ सैलरी कितनी मिलेगी, 24,800 रुपए ओके। यानी पहले कितना मिल रहा था 24,040 रुपए, अब कितना मिलेगा उसे 24,800 रुपए। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, फिर वापस अगला ईयर निकालना है कौन सा, 1 जुलाई 2017 से लेकर के 30 जून 2018 तक उसका इंक्रीमेंट कितना लगेगा, इंक्रीमेंट काउंट करना है। तो अभी कितनी मिल रही है उसे 24,800 रुपए, 24,800 रुपए का 3% हमने काउंट किया तो हमारा कितना आया 744 रुपए ओके। यानी कि 744
₹750 पर मंथ की सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा उसे। तो यानी कि अब उसे कितना मिलेंगे, यानी 1 जून 2017 से लेकर के 30 जून 2018 तक उसकी सैलरी कितनी रहेगी, ₹25,550। यहां तक कंप्लीट समझ में आया? यानी मैंने क्या किया, इसने कहा मैं 1 जुलाई 2015 को अपॉइंट हुआ, तो मैंने पता लगा लिया इसका एक साल का कंप्लीट होगा 30 जून 2016 को इसका एक साल लग जाएगा, फिर 1 जुलाई 2016 से इसका नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो जाएगा जो कब खत्म होगा 30 जून 2017 को खत्म होगा, फिर वापस इसका नेक्स्ट ईयर लग जाएगा तीसरा साल 1 जुलाई 2017 से लेकर के 30 जून 2018 तक। ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हमें पता लगा रहा है कि अब यहां तक तो अपन ने क्या किया, इंक्रीमेंट जोड़ करके सैलरी निकाली है, अब एक्चुअल में उसे कितनी सैलरी मिल रही है किस ईयर में 17-18, यानी कि तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर 17-18 है उसमें कितनी सैलरी मिल रही है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 मार्च से लेकर के 28 फेब तक का ईयर रहता है। तो यहाँ पर 1 मार्च 2017 यानी ईयर कौन सा है 17-18, तो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 मार्च 2017 से लेकर के 28 फेब 2018 तक की उसकी सैलरी कितनी होगी इसका पता लगाना है। यानी कि एक्चुअल में हमें इस पीरियड की सैलरी का पता लगाना है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसने कहा है कि तुम्हें सैलरी कैलकुलेट करनी है किस ईयर की, 17-18 के ईयर की। तो यानी कि तुम्हारा ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 मार्च 2017 से लेकर के 28 फरवरी 2018 तक का ईयर रहेगा। अब देखो ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च से, तो 1 मार्च 2017 से लेकर के 30 जून 2017 तक का ईयर लिया मैंने। क्यों लिया है, क्योंकि 30 जून तक की सैलरी उसकी, 30 जून 2017 तक की सैलरी उसकी अलग है, फिर जैसे ही तुम्हारा 1 जुलाई लगेगा 2017 का उसकी सैलरी क्या होगी, इंक्रीमेंट लग जाएगा उसकी सैलरी में, तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि मैंने क्या किया, 1 मार्च 2017 से लेकर के 30 जून 2017 तक उसकी सैलरी कितनी है, तो यहाँ देखो कहाँ आएगा 30 जून 2017, यहाँ ये तुम्हारा ये ईयर है 1 जुलाई 2016 से लेकर के 30 जून 2017 तक का ये ईयर, इसकी उसमें सैलरी कितनी थी 24,800 रुपये। तो यानी कि 1 मार्च 2017 से लेकर के 30 जून 2017 तक उसकी सैलरी कितनी रही होगी, 24,800 रुपये रही होगी, 24,800। और मंथ कितने हो गए तुम्हारे, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कितने मंथ हुए तुम्हारे, 4 मंथ हुए, यानी कि 24,800 × 4 यानी कितना हो गया उसका, 99,200 रुपये तुम्हारे 1 मार्च 2017 से लेकर के 30 जून 2017 तक की श्री प्रमोद की सैलरी बनती है। ओके, फिर अगला ईयर, उसके लिए अगला ईयर स्टार्ट हो गया, अब ये 1 जुलाई से उसके लिए क्या हो गया, उसका सर्विस का तीसरा ईयर स्टार्ट हो गया है। ओके, तो 1 जुलाई 2017 से लेकर के हमें ईयर कब खत्म करना है, 28 फेब 2018। यानी याद है मैंने क्या किया, 1 मार्च 2017 को यहाँ स्टार्ट किया और 28 फेब 2018 को यहाँ खत्म किया, यानी कि मेरा ईयर यही है। खाली क्या हो रहा है तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू इसकी जॉइनिंग मैंने इसके ईयर को क्या किया, डिवाइड कर दिया कि इसके ईयर की सैलरी कब इंक्रीमेंट लग रहा है इसका। तो इसका इंक्रीमेंट कब लगा, 1 जुलाई 2017 को उसका इंक्रीमेंट लगता है हर साल, तो यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर के 28 फरवरी 2018 तक उसकी सैलरी कितनी हुई, 25,550 रुपये। अब इसकी सैलरी कितनी है, 25,550 रुपये इसकी सैलरी हो गई पर मंथ की। तो 25,550 × 12 मंथ टोटल होते हैं हमारे पास भी ईयर में, यानी कि 4 मंथ की हमने 24,800 के अकॉर्डिंग सैलरी काउंट की है, तो बचे हुए 8 मंथ की सैलरी किसके अकॉर्डिंग हुई, 25,550 रुपये। 25,500 × 8 यानी तुम्हारे पास कितना हुआ, 204,400 रुपये। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगी, श्री प्रमोद की 1 मार्च 2017 से लेकर के 28 फरवरी 2018 तक की सैलरी कितनी हो रही है, बेसिक सैलरी उसकी 3,03,600 रुपये। ये क्या है, प्रमोद की बेसिक सैलरी है। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे तो इसे क्या करना है, पहले तुम्हें जिस ईयर में उसका इंक्रीमेंट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके इंक्रीमेंट की सैलरी काउंट करनी, जो मैंने यहाँ पर काउंट की है, जिस ईयर में उसका इंक्रीमेंट लग रहा है, जैसे उसने
जुलाई 2015 को, तो उसका ईयर कब खत्म हो जाएगा, एक साल पूरा कब होगा 30 जून 2016 को उसका ईयर, एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि एक नेक्स्ट 1 जुलाई 2016 को उसका क्या लग जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही कैलकुलेशंस करके पहले उसकी इंक्रीमेंट सैलरी का काउंट करना है कि पर एनम कितना उसकी अब सैलरी बन रही, पर मंथ के आपको पर मंथ कितनी सैलरी हो रही है, यानी ज्वाइनिंग की तब उसकी सैलरी कितनी थी 24,070 रुपए, जिस साल उसने ज्वाइनिंग की है उस साल उसकी सैलरी कितनी थी 24,070 रुपए, फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी 24,800 रुपए पर मंथ, फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी 25,550 रुपए पर मंथ। इसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हें क्या करना है, ईयर की कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 मार्च से लेकर के 28 फेब तक, और अगर तुम्हारा प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उसका ईयर कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ईयर रहेगा। तो ऐसे ही तुम्हें उसको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।